हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल है 7 जनवरी, यानी कि कल है पापा और शानू का बर्थडे। सो शाम को हम जाएंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने और उसका भी मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ आज। सो अभी फ़िलहाल तो ये देखो, ये मैं थोड़ी सी कटफट कर रही थी कि कुछ बन जाए तो ठीक है। सो देखते हैं क्या बनेगा, अगर बनेगा तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या बनाया है। सो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मामी के घर, उनको कुछ सामान देना था, फिर मैं मिलती हूँ आपको वहाँ से आने के बाद। हे फ्रेंड्स, सो मैं आ गई हूँ मामी के घर से अपने घर और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, तो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया। सो चलते हैं किचन में। ओ, ये काली कढ़ाई मम्मी ने बना रखी है। अरे वाह, कंडली। सो गढ़वाली लोग ज़्यादा फेमस है कंडली, क्योंकि कंडली ऐसे पत्ते होते हैं, देखिए ये रे, इसको छूते तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है इनके कांटों से। तो इनको पहले हम उबालते हैं पानी में, फिर इसकी सब्जी बनाते हैं। वैसे मेरे को पक्का तो पता नहीं कैसे बनाते हैं, बट फिर ये बनाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलो खा के आपको मिलती है थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स, मैंने खा लिया खाना और मैं आ गई हूँ अंदर। अब मेरा पेट भरी, देखते हैं कि मेरा क्राफ्ट कैसा बना था। सो अभी फ़िलहाल तो मैं वैसे केक का शेप बना रही थी, इसके अंदर मैं ऐसे टॉफ़ीज़ भर दूँ काफ़ी सारी। सो ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ और ये आधा व्हील बन गया है, अभी और बना रही हूँ। तब तक फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ा सा बनाने। फ्रेंड्स, ये मैं बना रही थी नीचे वाली लेयर केक की, और मैं इसे बिल्कुल सेम शेप में लाने की कोशिश कर रही थी पर ये आ नहीं रहा था। देखो मैं फिर काटने लग गई हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मैं केक के नीचे का बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और मैंने चार्ट मेरे 2-3 बर्बाद हो गए। देखो आधे काट काट के भी बर्बाद हो गए। और फिर से मैं सर्कल बना रही थी कि काट देती हूँ अभी दोबारा से इसी शेप में, और फिर ये देखो मैं फिर काटने लगी थी। फिर मैंने ले ली पेंसिल, ड्रॉ करने के लिए पेंसिल तो चाहिए ही, और मैं पेंसिल ही भूल गई। तो देखो मैं अंदर से बना रही थी, अंदर से ड्रॉ कर रही थी, करना बाहर से था। सो मैंने मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सर्कल का बड़ा बनाया था ताकि ये पूरा फिट आ जाए। सो अब देखो फ्रेंड्स, ये देखो ये मैंने बना दिया चार्ट में बड़ा सा सर्कल, और अब मैं इसे काटूंगी और फिर मैं उसके नीचे लगाऊंगी केक के, देखते हैं कि लगता है कि नहीं लगता। तब तक आप देखो मेरी मेहनत। तो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने इतनी मुश्किल से सर्कल आखिरकार काट ही लिया है। देखो मैं कैसे दिखा रही हूँ, और फिर देखो मैं इसके पीछे चिपकाने की कोशिश कर रही थी और मैंने देखा कि ढक्कन छोटा पड़ गया, और फिर मैंने इसको वापस से हटाया और फिर मैंने दूसरा सर्कल काटा, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और ये देखो मेरे को गुस्सा आ गया गाइस, बड़ी मुश्किल से ये देखो, ये देखो ये हो गया। और ये मैंने किया अपना जुगाड़, ये देखिए पेपर काट के चिपका लिया क्योंकि ऐसा थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट मैंने कोई पेपर ज़्यादा वेस्ट नहीं किया। ये तो ये नीचे की लेयर हमारे केक की बन चुकी है। सो इसके ऊपर के ढक्कन का जुगाड़ करते हैं। सो गाइस, मैं इसके ढक्कन के लिए यूज़ करूँगी पेपर। सो पहले तो हम सर्कल काट देंगे, तो उसके किनारे ऐसी बॉर्डर कर देंगे ताकि इसके ऊपर का ढक्कन बन जाए। सो अभी आपको मुझे पता है कुछ मतलब, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, और इसके ऊपर भी हम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि डबल लेयर का केक दिखे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बना दिया इसकी ऊपर वाली लेयर, और इसका ढक्कन भी मैंने ऐसे बनाया है, बट ये थोड़ा लफ टेढ़ा हो गया, बट कोई बात नहीं। और ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा 2 टायर के। सो अब इसमें हम एक चीज़ भूल गए हैं, वो है कैंडल। सो बनाते हैं कैंडल। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कर लिया पेपर को रोल, अब इसमें हम लगाएंगे इसकी ऊपर की बत्ती, देन इसको और केक को देंगे थोड़ी सी फिनिशिंग। सो ये हमारा केक, और ये मैंने लगा दी इसके ऊपर कैंडल। अब इसके ऊपर का हम लेंगे बाद में, पहले हम जा रहे हैं मार्केट। सो मैं ऐसे तो जा नहीं सकती, तो मैं हो जाती तैयार। सो फ्रेंड्स, ये हो गई रेडी। सो ये काफ़ी सिंपल सा एक टॉप है, और नीचे पहनी है मैंने जीन्स। सो अब देखते हैं बाहर जाके की परी क्या कर रही है। सो मतलब मैं बाहर तो हूँ पहले से। ये देखिए, ये रही हमारी परी, और ले 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 परू, मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे मैं आती हूँ ना करके लेट जाती है। हेलो, सो रखिए। ये देखिए, ये बैठी भी आराम से। हेलो, मैंने हेलो बोला, उसने मुंह इधर कर। सो फ्रेंड्स, इतने टाइम बाद मम्मी देखो कहाँगी, ये देखो अब आई है। और देखो परी को, तो ये रही मेरी मम्मी। सो मम्मी बोले मुझे कैमरे में मतलब एक कार्टून जो जो चिपके हुए हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, वो दिखाती हूँ। परी परू बाय मेरा बच्चा, ये देखिए। और सो फ्रेंड्स, बाहर ये देखो पापा आ गए, और पापा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मम्मी और मैं कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा।
देखिए एज ऑलवेज गाड़ियाँ भटक रही हैं इधर से उधर। सो पापा ने बहुत कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट फिर हम ऐसे ही पैदल जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब हम जाएंगे शॉप में। सो मैं आपको घर आके बताऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। सो फ्रेंड्स हम आ गए दूसरी शॉप में और ये देखिए हमारा सामान इतना सारा हो चुका है, पूरे तीन तीन थैले भरे गए हैं। और अभी भी यहाँ पे मम्मा कुछ शॉपिंग कर रही है, अभी तो लगभग आधी है रखी है। तो कल के लिए बर्थडे के हमने कुछ गिफ्ट भी ले लिए थे, तो अभी मम्मी फिलहाल फिर से पापा के लिए स्वेट शर्ट ले रही है। देखो ये कलर दिखा रही है, बल्कि ये दोनों पापा पे देख रहे हैं हम। तो मैं मिलता आपको घर में। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए घर और यहाँ पे परी देखो ये दी इतना प्यार किया ना इसने, हमें मैं वीडियो बनाना भूल गई, इसे लेके हम जा रहे हैं घुमाने। सारे गिफ्ट्स मैंने छुपा के रख दिए। तो मैं आती परी को। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ परी को घुमा के और ये मैंने पहन लिए वापस से घर के कपड़े। सो अभी उनके जो गिफ्ट है वो तुमने छुपा के रखे है, बट जो केक के अंदर भरने के लिए जो मैं लेके आई वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो एक हम लेके आए ये वाला मिक्स फ्रूट का, ये जो केक होता है, और एक लेके आए हम ये जस्ट जेली कारन प्लेन्स, और एक लेके आए हम ये भी सेम ऐसी केक है बट ये है मिल्क वनीला का फ्लेवर। देन एक लाए हम जिम जैम एंड एक लाए हम हाइड एंड सीक बिस्किट। सो ये हम उसमें भरेंगे केक में, बट अभी थोड़ी देर बाद मैं कुछ टॉफीज़ भी लेके आऊँगी उसमें भरने के लिए, फिर मैं आपको दिखाऊँगी उसको भर। सो फ्रेंड्स मुझे लग रही थी भूख, सो मैं कुरकुरे लेके आई थी वहाँ से, तो मैं ये खा लेती। सो फ्रेंड्स जो शानू का गिफ्ट था वो गिफ्ट रैप नहीं हुआ था, सो इसलिए मैं यहाँ पे देखो गिफ्ट रैपर लेके आ गई, आप खुद ही मैं रैप कर लूँगी उसको। और अभी हम आए हैं ऐसे घूमने जहाँ पे हम और हमेशा आती है देखो। सो हम घूम रहे हैं, फिर आपको मिलती दोबारा घर। सो फ्रेंड्स ये रही मेरी मम्मी और ये रही मैं, और अब हम जा रहे हैं घर। हाँ आ गए घूम के। चाची ने आज नहीं आए? तो मम्मी वहाँ पर चाची से बात करने लग गई, तो मैं इधर बैठ गई हूँ आराम से। अब मम्मी जब भी आए आए। सो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अंदर और शानू बाहर है। सो मेरे पे गिफ्ट रैप की पन्नी है और गिफ्ट भी है, सो उसकी मैं रैपिंग करूँगी अभी। चुप चाप रहते शानू शायद आ रहा है, नहीं वापस चला गया, तो चलिए करते गिफ्ट। सो फ्रेंड्स ये है शानू का गिफ्ट, ये कार शेप का है देखिए, और इसके अंदर ब्लॉक्स है जिससे कि यहाँ पर शायद लिखा हुआ था ये बन सकते हैं। सो हम ये लेके आगे इसको करती हूँ ट्राई। तो फ्रेंड्स मुझे अब पता चल रहा है कि टेप तो ख़त्म हो गया है, सो मेरे पे भी यही फिलहाल ये पड़ा था, तो इसी से पैकिंग कर देती हूँ, कोई बात नहीं भाई। सो फ्रेंड्स ना पापा को पता है ना शानू को कि हम उनके लिए क्या करने वाले हैं, ये मम्मा और मेरे को ही पता है सिर्फ। मेरे को तो पैकिंग भी आती है, अब जैसी होगी वैसी कर लूँगी। इसे आती तो है बट ये एक शेप कार का है, सो चलो देखते एक बार कैसे होता है। फ्रेंड्स इतनी मेहनत के बाद देखो ये कार ये पैक, बट इसके पीछे का सच आप देख सकते हो। सो कोई बात नहीं, अच्छी होती तो ये देखिए ये कार पैक अंदर देते हैं छुपाने के लिए। सो फिर मैं आपको मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।